हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं प्याज का पराठा। कभी कभी नाश्ते के लिए समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। अब प्याज तो सभी के घरों में पड़ी होती है, फटाफट पराठे बन भी जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं, हर किसी को पसंद भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। प्याज के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं लोगों के हिसाब से कि कितने बनाने हैं। और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने आटा लिया है। हमें आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। अगर आप नमक पसंद करते हैं आटे में तो आप नमक भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आटे को गूंथने के बाद में हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। हम कुछ मसाले देख लेते हैं इसमें क्या क्या डालना है। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप इसकी क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा घटा भी सकते हैं। आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर लेंगे हम। इसके अलावा हम एक चुटकी हींग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ मैं। आधा से भी कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर खटाई ली है। इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा खट्टापन तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब जो 3 प्याज ली थी ना हमने और अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे आप कद्दूकस की मदद से या जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही इनको अच्छे से क्रश कर लेना है। और जो मसाले हमने निकाले थे उन्हें इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ही जल्दी पानी छोड़ने लगती है, तो फटाफट से इसे मिक्स करना है। प्याज में अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो आटा हमने गुथा था उसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब ले लेना है और लोइयां बना करके तैयार करना है। जो लोई है उसमें हमें सूखा आटा ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपका आटा चिपकेगा नहीं और अगर प्याज में थोड़ा बहुत भी पानी आता है तो वो फटेगा नहीं। अब लोई की मैंने अच्छे से रोटी बेल ली है और रोटी बेलने के बाद में प्याज का जो मैंने मसाला तैयार किया है 1 चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से बंद कर दूंगी। और ध्यान रखना है हल्के हाथों से ही प्रेस करते हुए आपको बेलना है। अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो फट जाएगा और फटने से जब वो सिकते टाइम भी फिर वो इधर उधर फैलेगा आपके तवे पे, इसीलिए इसको ध्यान से बेलना है। तवा मैंने रख दिया है। अब तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम अपने पराठे को इस पर सेक लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं वेट करूंगी ताकि ये नीचे से अच्छे से सिक जाए। अब देखते हैं हमारा पराठा सिका या नहीं। पराठा एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इस पर देसी घी लगाऊंगी। आपको जो भी ऑयल पसंद है पराठों में आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी से पराठों में जो स्मेल आती है उससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी को मैं अच्छे से इस पर फैलाते हुए लगा लूँगी। अब दूसरी तरफ से हमें अच्छे से सिकने देना है और वेट करना है थोड़ी देर के लिए। गैस को आपको मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे तो ये एकदम कड़क हो जाएंगे और फुल करेंगे तो ये जलने का इनका डर रहता है, तो गैस आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है। पराठा आप दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। अब मैं इस तरफ भी घी लगा दूँगी और थोड़ी देर वेट करूँगी ताकि जो पराठा है वो दूसरी तरफ से सिक जाए। तो हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। आपने देखा मीडियम फ्लेम पर अगर आप बनाते हैं तो ना तो ज़्यादा जलता है और ना कच्चा रहता है, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही झटपट से बनने वाली रेसिपी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बना करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये पराठे कैसे लगे।